तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरुचरण सिंह ने अपने गायब होने की प्लानिंग खुद की है। आखिर क्या है ये मांजरा, आखिर किस तरह इनकी ये खबर इस वक्त अलग तूल पकड़ रही है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाने वाले जाने माने एक्टर गुरुचरण सिंह ऑलमोस्ट पिछले 10 दिनों से लापता है। पुलिस ने गुरुचरण के पिता के शिकायत के बेस पर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और उसके बाद पता लगाने के लिए कई टीमें भी गठित की गई। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हो सकता है गुरुचरण सिंह ने अपने गायब होने की प्लानिंग खुद की है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक्टर ने अपना फोन पालम इलाके में छोड़ दिया। पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे हमारे लिए गुरुचरण का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब उनके पास उनका फोन नहीं है जिसकी वजह से उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। पुलिस ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में हमें पता चला कि वो एक ई रिक्शे से दूसरे ई रिक्शे में बैठते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया है और दिल्ली से बाहर चले गए हैं। आपको बता दें कि गुरुचरण सिंह को आखिरी बार 22 अप्रैल को देखा गया था। उनके पिता ने 4 दिन बाद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें कहा गया था मेरा बेटा गुरुचरण सिंह, जिसकी उम्र 50 साल है, वो 22 अप्रैल को 8:30 बजे सुबह मुंबई जाने के लिए निकला था। वो फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट गया, अब ना तो वो मुंबई पहुंचा और ना ही वो घर लौटा और उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। मानसिक रूप से वो स्थिर है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब वो लापता है। आपको बता दें, इस खबर के सामने आते ही सोडी यानी कि गुरुचरण सिंह के हर तरफ लापता पोस्टर्स छप गए, जिसके बाद एक के बाद एक नई अपडेट इस मामले में सामने आती रही। अब एक नया अपडेट ये है कि पुलिस दावा कर रही है गुरुचरण सिंह ने अपने गायब होने की प्लानिंग खुद की है। जिस तरह से उन्होंने फोन छोड़ा, उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए, उसके बाद जिस तरह से वो एक के बाद एक ई रिक्शा चेंज करते दिखाई दिए, तो यहाँ पर पुलिस का इशारा इसी बात की तरफ जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपका क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।